होम स्क्रीन 1 of 3। सो गाइज, मेरे पास इस बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कभी कभी हम जो है किसी ग्रुप को फॉलो करते हैं तो ऐसा क्यों आता है, योर सिक्योरिटी कोड विद दिस नंबर चेंज, और कभी कभी तो भैया पर्सनल चैट में भी आता है। तो यही दोनों चीज़ें मैं आज क्लियर करूंगा कि ये आता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इस चीज़ को ऑफ कैसे कर सकते हो। वीडियो बहुत ही छोटी सी है बट नॉलेजेबल है, तो सभी के साथ शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, 40 लाइक्स का टारगेट है, आप पूरा तो कर ही दोगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। कम्युनिटी टैब में आप लोग अपना जवाब दे सकते हो पोस्ट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टॉप करते हैं, स्टॉप रिकॉर्ड होम स्क्रीन 1 of 3, मतलब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी मांगना चाहूंगा, वो पहले लाइव की थी मैंने, एक्चुअली मेरा नेट जो है वो डिसकनेक्ट हो गया था, मेरा नेट बहुत स्लो था, इसलिए मैंने लाइव एंड कर दी, तो डिलीट कर दी मैंने, तो लाइव देखेंगे कभी और करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये आता क्यों है। सो गाइस, मान लीजिए आप किसी ग्रुप में ऐड है और उस ग्रुप में कोई मेंबर है, अगर वो अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करता है, दोबारा इंस्टॉल करता है, अगर वो अपना व्हाट्सएप का डेटा क्लियर करता है या कुछ भी करता है, या अपने फ़ोन को जो अपने व्हाट्सएप है उसको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करता है, मान लीजिए उसने नया फ़ोन ले लिया, तो इन्हीं कारणों की वजह से जब वो सारा सेटअप कर लेता है तो बस आपके पास आ जाता है योर सिक्योरिटी कोड विद दिस नंबर चेंज। बस ये छोटी सी ही बात है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया भाई, ये सिक्योरिटी का इशू। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का ये सिक्योरिटी इशू नहीं है। उस पर क्लिक करके आप जो उस नंबर को वेरीफाई भी कर सकते हो, जिसके भी आवश्यकता नहीं है, जिसकी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा मिले ही ना किसी ग्रुप में भी या किसी चैट में भी, तो सिंपली व्हाट्सएप में जाओ, मैं चलता हूँ मोर ऑप्शन में, चलते हैं सेटिंग्स में, चलते हैं अकाउंट्स में, आ गए सिक्योरिटी में, आ गए। अब यहाँ एक ऑप्शन है, टर्न ऑन दिस सेटिंग टू बी नोटिफाइड व्हेन योर सिक्योरिटी कोड चेंजेस फॉर अ कांटेक्ट इन एन एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट, दिस सेटिंग मस्ट बी इनेबल्ड ऑन ईच डिवाइस यू वांट नोटिफिकेशंस टू शो। इसमें ये भी बोला है कि ये सेटिंग्स है उस डिवाइस में भी ऑन होनी चाहिए जिसके द्वारा आपको शो हो रहा है, तो सिंपली ऑफ स्विच ऑफ, ये शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस ऑन दिस फोन, शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑन दिस फोन, ये स्टॉप रिकॉर्ड एक्सेस, क्या हो गया, गूगल इज स्क्रीनशॉट बटन एक्सेस व्हाट्सएप बैक होम स्क्रीन 1 मिनट स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो ये आपके पास जो है ऑन होगा, सिंपली आप बस इसको ऑफ कर दीजिए। अब आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में ना पर्सनल चैट पर ऐसा मैसेज शो नहीं करेगा, और अगर आप इसको ऑन भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन का एक हिस्सा है, बट कोई डरने की बात भी नहीं है। और अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना है जानकारी कैसी लगी, शेयर कर देना, चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।